गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अब आप सभी लगभग पेंट के इस मॉड्यूल के भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि आगे की एक क्लास के बाद आप पेंट के इस पूरे भाग का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आप सबका इस भाग का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। आइए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कर्व टूल क्या होता है? कर्व टूल लाइन टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन कर्व टूल से बनी लाइन को आप दो बार मोड़ सकते हैं और चाहे तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उस पर काम कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं कर्व टूल और लाइन टूल में क्या अंतर होता है? लाइन टूल की मदद से आप किसी लाइन को खींचते हैं तो उस लाइन को मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कर्व टूल की मदद से बनी लाइन को आप दो बार मोड़ सकते हैं अथवा उससे लाइन भी खींच सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और फिर MS पेंट की फाइल को ओपन करें। आज की क्लास में आप सभी अलग अलग प्रकार के टूल के बारे में सीखेंगे और उनके उपयोग से आप चित्र को भी बनाएंगे। आज आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बारे में सीखेंगे कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल क्या होता है, इस टूल की मदद से कैसे चित्र को बनाएंगे, पेंसिल टूल क्या होता है, एयर ब्रश टूल क्या होता है। इन सभी टूल की मदद से जो चित्र बनाएंगे वह कुछ इस प्रकार से हैं। स्टिक, मोबाइल फोन, रिबर के साथ में एक बोट इत्यादि के चित्र को बनाएंगे। क्या आप जानते हैं राउंडेड रेक्टेंगल क्या होता है? राउंडेड रेक्टेंगल रेक्टेंगल की तरह ही होता है, लेकिन इस रेक्टेंगल के कॉर्नर अथवा उसके कोने गोल की तरह घूमे हुए होते हैं। सामने दिखाए गए चित्र को देखें। इस चित्र में आपको राउंडेड रेक्टेंगल को दिखाया गया है। आइए अब वीडियो की मदद से जानते हैं कि राउंडेड रेक्टेंगल क्या होता है। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल का उपयोग करेंगे और उसके अंदर कलर को फिल करने के लिए कलर वन और कलर टू के साथ फिल विकल्प का उपयोग करेंगे। क्या आप सब इस चित्र को बना सकते हैं? अब आप इस चित्र को बनाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से बनाएं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। आप सभी यहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर आए, राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, कलर टू को सेलेक्ट करें, कलर उसमें सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह चित्र एक मोबाइल फोन का है। क्या आप इस चित्र को बना सकते हैं? अब आप इस चित्र को बनाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि मोबाइल के चित्र को कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए और फिर राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को सेलेक्ट करें और उसे ब्लैक करें, कलर टू को भी सेलेक्ट करें और ब्लैक करें, दोनों में सेम कलर होना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद कलर टू को सेलेक्ट करें, उसे चेंज करें, और
फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और इसे थोड़ा इधर की तरफ कर सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, ओवल टूल को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग कर दें। इस तरह से आप मोबाइल फोन के चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि इस चित्र को कौन कौन से टूल की मदद से बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल के साथ साथ कर्व टूल और ओवल टूल का उपयोग करेंगे। टाइप करने के लिए कौन से टूल का उपयोग करेंगे? टाइप करने के लिए आप टेक्स्ट टूल का उपयोग करेंगे। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं? अब आप इस चित्र को बनाएं। अगर फिर भी इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस टूल को ड्रैग कर दें। उसके बाद कलर को चेंज करें, फिर यहाँ पे ऐसे एक और बॉक्स को ड्रैग कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक और बॉक्स को ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर आए, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें, फिर बीच में यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दें, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करें जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे देखकर टाइप करें, फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को साइड में रखें और क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टूल को ड्रैग कर दें, और फिर अब यहाँ पे टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे फॉन्ट साइज को लेकर आएं और उसके टेक्स्ट के साइज को कम कर दें क्योंकि ये बाहर की तरफ चला जा रहा था। फिर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें।
ओवल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को सेलेक्ट करें, फिर यहां पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग कर दें, फिर कलर टू को सेलेक्ट कर लें, ब्लैक कर लें, जिससे कि इस ओवल के अंदर कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे एक और ओवल को ड्रैग कर लें। अगर आप चाहें तो एक ओवल को ड्रैग करने के बाद उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर आप कलर वन को सेलेक्ट करें, उसे चेंज करें, फिल पे जाएं, नो फिल करें, यहां पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, साइज पर जाएं, तीसरे नंबर के साइज को सेलेक्ट करें, कलर टू को सेलेक्ट करें, वाइट करें, सेलेक्ट टूल पे जाएं, और इस ओवल के ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करें और उसे कट कर दें। फिर अब इसे पूरे को सेलेक्ट कर लें और इसको पिक करके यहां पे रखें। पिक करके रखने के टाइम इसके बैकग्राउंड अगर व्हाइट होता है तो आप सेलेक्ट टूल पे आएं, क्लिक करें और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लें और फिर इसे पिक करके यहां पे रख दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब आप सब पेंसिल टूल के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि पेंसिल टूल क्या होता है? पेंसिल टूल की मदद से आप पेंट की शीट में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि लाइन ड्रॉ करना, ओवल ड्रॉ करना, कुछ लिखना और भी बहुत से कार्य आप पेंसिल टूल की मदद से कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेंसिल टूल के द्वारा पेंट की शीट पर कुछ लिखते कैसे हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेंसिल टूल का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को यहां पे लेकर आए, क्लिक करें, पेंसिल टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद पेंसिल टूल के द्वारा आप एक ओ बनाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद साइज पे जाएं, परफेक्ट साइज ले लें, बी को बनाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां से परफेक्ट साइज को लें, सी को बनाएं। उसके बाद साइज पे जाएं, परफेक्ट साइज लें, डी को बनाएं। फिर यहां पे ई को बनाएं। कलर को चेंज करें,
एफ को बनाएं? फिर से साइज पर जाएं, साइज को कम करें, कलर को चेंज करें। जी को बनाएं। इस तरह से आप पेंसिल टूल का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी ब्रश टूल के बारे में जानेंगे। क्या आप बता सकते हैं ब्रश टूल क्या होता है? ब्रश टूल से आप चित्र को अलग अलग डिजाइन में बदल सकते हैं अथवा ब्रश की मदद से भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश के बहुत से टाइप्स होते हैं और आप इन ब्रश के बारे में सीखेंगे। अब आप सभी ब्रश टूल की मदद से अपना नाम लिखें। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि ब्रश टूल का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ब्रश टूल का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर ब्रश टूल के बहुत से प्रकार ओपन हो जाएंगे। इनमें से आप एक एक करके सेलेक्ट करके उनका उपयोग करना सीखेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, किसी एक ब्रश को सेलेक्ट कर लें और उससे ए को बनाएं, फिर कलर को चेंज कर लें, दूसरे वाले ब्रश के प्रकार को सेलेक्ट कर लें, फिर आप बी को बनाएं। फिर से ब्रश पे क्लिक करें और ब्रश के तीसरे टाइप्स को सेलेक्ट कर लें और उसे सी बनाएं। फिर से कलर को चेंज करें, ब्रश के अगले टाइप्स को सेलेक्ट कर लें या सेलेक्ट करने के बाद कलर को चेंज कर लें और डी बनाएं। फिर से ब्रश के टाइप्स ब्रश पे क्लिक करें और उसके अगले वाले टाइप्स को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ई को बनाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर को चेंज करें, ब्रश पे जाएं, अगले वाले ब्रश के टाइप्स को सेलेक्ट करें और उससे एफ बनाएं। कलर को चेंज करें, ब्रश के टाइप्स पे जाएं, अगले वाले ब्रश के टाइप्स को सेलेक्ट करें और फिर जी को बनाएं। फिर ब्रश पे जाएं, अगले वाले टाइप्स को सिलेक्ट करें और उससे ई एच को बनाएं। ब्रश पे जाएं, क्लिक करें, उसके अगले वाले टाइप्स को सिलेक्ट करें, कलर को चेंज करें और फिर उससे आई को बनाएं। इस तरह से आप ब्रश टूल का उपयोग कर सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए ओवल टूल, लाइन टूल, कलर वन और कलर टू और पेंसिल टूल का उपयोग करेंगे। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं? अब आप इस चित्र को बनाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं, रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, क्लिक करें, उसके बाद सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें, कलर टू को सेलेक्ट करें, कलर टू को भी चेंज करें, दोनों कलर में सेम कलर लें
उसके बाद आप पेंट के सीट पे इसे ऐसे ड्रैग करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें। कलर वन को सेलेक्ट करें। कलर वन को चेंज करें। कलर टू को सेलेक्ट करें। कलर टू को भी चेंज करें। दोनों कलर में सेम कलर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहां पे ऐसे ओवल को ड्रैग कर दें। फिर कलर वन को चेंज करें। कलर टू को सेलेक्ट करें, उसको भी चेंज करें। उसके बाद यहां पे ऐसे ओवल को ड्रैग कर दें। कलर टू को सेलेक्ट करें, इसके कलर को चेंज करें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, क्लिक करें, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें। इस ओवल के ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लें। और इसे कट कर दें। कट के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करें। अब इसे पूरे को सेलेक्ट कर लें और थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ ऐसे पिक करके रखें। अगर आप कलर टू को वाइट करके कट करेंगे तो यहाँ पे कट करने के बाद वाइट कलर आ जाएगा, इसलिए आपको कलर टू में वही कलर रखना है जो आपने रेक्टेंगल के लिए रखा था, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद फिर आप कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें। लाइन टूल को सेलेक्ट कर लें। साइज पे जाएं, परफेक्ट साइज ले लें। यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें। साइज पे जाएं, दूसरे नंबर के साइज को सेलेक्ट कर लें। यहां से ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें। फिर उसके बाद पेंसिल टूल को सेलेक्ट कर लें। साइज पे जाएं, सबसे पतले वाले साइज को सेलेक्ट कर लें। यहां पे ऐसे
पेंसिल टूल को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहां से फिर यहां से ऐसे पेंसिल टूल को ड्रैग कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, लाइन टूल को सेलेक्ट करें, दूसरे नंबर के साइज को सेलेक्ट कर लें, कलर को चेंज करें, यहां पे ऐसे ड्रैग करें लाइन को, फिर उसके बाद यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद फिल विद कलर पे जाएं, फिल विद कलर को सेलेक्ट कर लें, कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर पैलेट में से किसी एक कलर को ले और यहाँ पे कलर को फिल कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहां से कलर को लें, फिर बीच में कलर को फिल कर दें। फिर ब्रश टूल पे जाएं, क्लिक करें, इनमें से किसी एक ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लें या फिर आप एयर ब्रश को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कलर पैलेट में से कलर को चेंज करें और यहां पे एयर ब्रश को ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहां पे पूरा आपको ड्रैग कर देना है जिससे कि कलर भर जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप इसे पूरा एयर ब्रश के द्वारा ड्रैग करके कलर को भरें। कलर वन को वाइट करें और फिर यहां पे एयर ब्रश के द्वारा कलर को भर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अब आप सभी अपने पेंट की फाइल को क्लोज करें और अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शटडाउन करें। आज की क्लास में आप सभी ने सीखा राउंडेड रेक्टेंगल क्या होता है, इस रेक्टेंगल की मदद से चित्र को कैसे बनाते हैं, पेंसिल टूल क्या होता है, एयर ब्रश टूल क्या होता है
और सभी टूल की मदद से जो चित्र बनाया वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि स्टिक, मोबाइल फोन, रिबर के साथ बोट और ब्रश, पेंसिल टूल की मदद से बहुत से चित्रों को बनाया।